दिल्ली सरकार के दफ्तर में एक रेड ने पूरी तरह से बवाल मचा करके रखा हुआ है, सीबीआई की रेड। और अब दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। जिस दौरान हुआ उस दफ्तरों की फाइलें जाके पहले चेक करते, हम भी साफ देते। आप बताइए कहां कहां घोटाले की सूचना है आपके पास में। हम मोदी जी को खुली चुनौती देते हैं, पिछले 9 महीने की सरकार और पिछले 15 साल की सरकार सबके भ्रष्टाचार की बताइए हमें, हम आपको फाइलें पहुंचाएंगे। किसी भी जहां भी छुपाई होंगी फाइलें, जहां भी रखी होंगी, हम खुद फाइलें निकाल के देंगे। लेकिन अगर आप राजेंद्र कुमार के बहाने या जो सरकार के साथ खड़े हुए अफसर है, जो सरकार के साथ काम कर रहे हैं अफसर दिन रात एक करके, उनके बहाने अरविंद केजरीवाल को काम करने से रोकेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप कभी भी इस मुहिम में सफल नहीं हो सकते हैं इसमें। देखिए दूसरी बात, जिस तरह केंद्र की सरकारें अलग अलग पार्टियों को डरा के, उनकी राज्य सरकारों को डरा के उन पर काबू करती रही हैं, ये इस भ्रम में ना रहे, ये आम आदमी पार्टी की सरकार है और हम किसी से डरने वाले नहीं है, किसी से दबने वाले नहीं है। आप सीबीआई का जिस तरह से उपयोग करते रहे करिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ईमानदारी से सरकार चला रही है यहाँ पे और चलाती रहेगी, हम इसमें किसी से डरने वाले नहीं है। वही बात, जब इनको कुछ नहीं मिला पूरे दिन में तो इन्होंने एक नया सिगुफा छेड़ा कि साहब शब्द खराब थे, आपके तो कर्म खराब हैं, आप अपने कर्म ठीक कर लीजिए, हम अपने शब्दों पर माफी मांग लेंगे, आप अपने कर्मों पर माफी मांग लीजिए। आप चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्रियों के दफ्तर में उनके अधिकारियों के बहाने से सीबीआई को भेज के डराना चाहते हैं और फिर कहना चाहते हैं आपके शब्द खराब हैं। हम तो गांव के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, हमारे शब्द खराब हो सकते हैं, लेकिन आप देश की केंद्र सरकार में बैठे हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय सरकार के मंत्री हैं, आपके कर्म क्यों खराब हैं? आप अपने कर्मों पर माफी मांग लीजिए, हम भी अपने शब्दों पर माफी मांग लेंगे। राजेंद्र कुमार को लेकर आपका क्या स्टैंड है, कैसे अधिकारी जिन पे सीबीआई की रेड पड़ी किसी मामले में, पुराना ही मामला हो, जब भी आरोप भ्रष्टाचार को लेकर हमारा स्टैंड क्लियर है। दिल्ली सरकार का कोई चपरासी, कोई आईएएस अधिकारी, मुख्यमंत्री, मंत्री, कोई एमएलए, कोई भी भ्रष्टाचार करेगा, स्टैंड हमारा एक साथ है, उसको जेल में होना चाहिए। लेकिन किसी व्यक्ति के कंधे पर बंदूक रख के अगर मुख्यमंत्री के दफ्तर की फाइलों को खंगाला जाएगा तो हम बताएंगे कि उसका सच क्या है। हम उसके बाद हमें कहेंगे कि ये राजनीतिक वेंडेटा है। तो क्या वो मामला भी आप उसी तरीके का मानते हैं और क्या तब भी सीबीआई गलत थी, क्या तब भी? तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया।